गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, मैंने आपको पेड़ की आत्मकथा ये पाठ समझाकर प्रश्न और उत्तर मैंने दी थे। अभी ग्रामर आपको पढ़ाना बाकी था उस पाठ का, तो मैं ये आज ग्रामर पढ़ाती हूँ। पान नंबर 23 पर आइए, इसे याद कीजिए। प्राणियों के निवास और बोलियाँ, जैसे हम मनुष्य घर में रहते हैं वैसे ही यहाँ प्राणियों के निवास और बोलियाँ हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, जड़ जमीन के अंदर होती है जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है। समझ में आ गए? तो ये क्या है, जो हमारा पेड़ है, पेड़ तो उसकी जो जड़ें होती है वो पेड़ जमीन के अंदर जाती है और उसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है। समझ में आ गए? तो वैसे ही ये जो तना है यानी पेड़ का जो बीज का भाग है उसे क्या कहते हैं, जड़ के ऊपर का भाग। जड़ के ऊपर का भाग, डाले या शाखाएं यानी ब्रांचेस कहाँ पर होते हैं, तने से निकलती है। जो तना होता है यानी पेड़ का जो तना होता है तो वो क्या होता है, उसकी शाखाएं होती है। तो ये क्या है, तना है। ये क्या है, तना। और इसमें निकलते हुए जो डाले हैं तो इसे क्या कहते हैं, डाले या शाखाएं कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फल शाखाओं पर लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ जो शाखाएं होती है तो यहाँ ऐसे फल आते हैं, ऐसे फल आते हैं। ठीक है, पत्ते, पत्ते तो पता है आपको, जैसे हर पेड़ के पत्ते होते हैं लेकिन अलग अलग के अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ आम का पेड़ दिखाया है और आम के पत्ते तो आपको पता है ऐसे ऐसे होते हैं। ये क्या है, पत्ते। फूल शाखाओं पर लगते हैं, जैसे यहाँ फल लगते हैं उसी तरह यहाँ फूल भी लगते हैं। ओके, बीज, अभी यहाँ मैंने एक आम का पेड़ दिखाया है आपको, तो यहाँ इसके अंदर क्या है, बीज है। फल से मिलता है और बीज से जड़ बनते हैं। ओके, तो ऐसे ये एक पेड़ के तना, डाले, फल, पत्ते, फूल, बीज होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में बच्चों, तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा, तो ये हमें देखना है। तो ये क्या है, एक लड़का है और यहाँ दो लड़के हैं और यहाँ एक पास में घर है। हमें अभ्यास करना है तेरा, मेरा, तुम्हारा और हमारा। तो ये लड़का क्या कह रहा है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा हाथ है, यानी ये मेरा, यानी मेरा। क्या वह तेरा घर है? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक प्रश्न चिन्ह दिया है और एक लड़का दूसरे लड़के को प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ जो घर दिखाई दे रहे तो वो क्या वह तेरा घर है? देखो बच्चों, यानी हम तेरा, मेरा ये अभ्यास कर रहे। तो यहाँ तीसरे पिक्चर में क्या दिया है, यहाँ चित्र में एक बगीचा है और यहाँ कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, यह हमारा बगीचा है, ना ही मेरा ना ही तेरा, वो किसका है, हमारा, हम सब का। यानी यहाँ देखो, हर कोई लोग यहाँ पर आकर खेल रहे हैं, बैठे हैं, यहाँ खेल कूद कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बगीचा है, बगीचा ना ही तेरा है ना मेरा, तो किसी का है, हमारा, किसी का है, हमारा, हम सब का है।
इसे सार्वजनिक प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो ये यह मेरा हाथ है, क्या वह तेरा घर है, और ये क्या है हमारा, यानी हम यहाँ अभ्यास क्या कर रहे हैं, मेरा तेरा हमारा। ओके, समझ में आ गया आपको। यहाँ सूचना दी गई है, शिक्षक ऊपर दिए गए सर्वनाम पढ़ाते समय स्पष्ट करे कि पुल्लिंग एकवचन वस्तु के साथ संबंध बताते समय तेरा, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक अभिनय द्वारा इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये तेरा, मेरा, हमारा इन शब्दों को पुल्लिंग एकवचन वस्तु के साथ प्रयोग किया गया है। लिंग के कितने प्रकार है? दो। कितने? दो, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष, जिस शब्द को, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग है लेकिन वो एक वचन है, यानी एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर तेरा, मेरा, तेरा, हमारा इन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग एकवचन में किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे तेरी, मेरी, तुम्हारी और हमारी। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक लड़की है और यहाँ इसकी गर्दन है, तो वो क्या कह रही है, यह मेरी गर्दन है। तो हम अभ्यास कर रहे हैं मेरी, तेरी, हमारी, इन शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं। तो यह मेरी गर्दन है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है क्योंकि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। क्या प्रश्नार्थक वाक्य है? क्या यह तेरी गेंद है? यहाँ सवाल पूछा है, यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया है, क्या यह तेरी गेंद है? तो हमें अभ्यास करना है तेरी, ठीक है। अब ये पाठशाला है, पाठशाला में हर कोई बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे कि कोई छात्र है, छात्रा है, अध्यापक है, गुरुजन वर्ग है, तो ये सारे यहाँ पाठशाला में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ना मेरी ना तेरी, ये पाठशाला किसकी है? हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने तेरा, मेरा, हमारा इस शब्द का अभ्यास किया है, वैसे ही ये तेरी, मेरी और हमारी, ये जो हमारी ये जो शब्द है वो कैसे है कि ये सर्वनाम पढ़ाते समय ये स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन वस्तु के साथ संबंध बताते समय तेरी, मेरी, तेरी, तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरी, तेरी, तुम्हारी, स्त्रीलिंग एकवचन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ओके, अब हम पान नंबर 24 पर आते हैं। यहाँ अभ्यास के लिए दिया है आपका, आपकी, आपका, आपकी। यहाँ देखिए बच्चों, एक शिक्षक है और यहाँ लड़का है, ये शिक्षिका है, यहाँ एक लड़का है, तो हमें अभ्यास करना है आपका और आपकी। तो बच्चों यहाँ ये पढ़ाते समय सूचना क्या दी गई है, शिक्षक आपका, आपकी पढ़ाते समय स्पष्ट करे, आपका, आपकी शब्द का प्रयोग तेरा, तेरी की जगह किया जाता है, किंतु तेरा, तेरी छोटों के लिए है और तुम्हारा, तुम्हारी बराबरी वालों के लिए और आपका, आपकी बड़ों के लिए आदर सूचक प्रयुक्त करता है। तो देखो बच्चों, जब हम पढ़ाते समय या हम बोलते समय जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो तेरा, तेरी ये कब कहा जाता है कि छोटों के लिए, जैसे कि तेरा, तेरी, ये छोटों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, और आपका, आपकी, ये भी जब हम वाक्य में पढ़ते हैं तो ये छोटों के लिए हम ये सूचित करते हैं कि ये वाक्य प्रयोग हम करते हैं। लेकिन तुम्हारा, तुम्हारी जब हम कहते हैं तो हमारे बराबर वालों के लिए ये शब्द प्रयोग हम करते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपका, आपकी, जब हम ये दो वाक्य पढ़ाते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि तेरा, तेरी
ये छोटों के लिए हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं, तुम्हारा तुम्हारी ये बराबरों वाले के लिए हम ये शब्द प्रयोग करते हैं, और आपका आपकी हम जब शब्द प्रयोग करते हैं तो ये आदर सूचक बड़ों के लिए ये शब्द प्रयोग हम करते हैं, आपका और आपकी, ये क्या है, बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द प्रयोग हम कहते हैं। तो इसीलिए इन चित्रों को देखकर हमें आदर युक्त ये वाक्य बनाना है, जैसे कि ये हमारे शिक्षक है। तो ये आदर वाक्य यानी बड़ों के लिए हमने ये शब्द प्रयोग किया है। यहाँ देखिए ये हमारी शिक्षिका है, तो ये हमें बड़ों के लिए और आदर सूचक ये वाक्य यहाँ पर हमने बनाया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इस शब्दों का अभ्यास करेंगे, इसका और इसकी। यह पाठशाला है, वह इसकी पाठशाला है। तो हम जब ये दो लड़के और यहाँ एक पाठशाला है तो इसकी ये शब्द प्रयोग करते समय यह पाठशाला है, यहाँ तो पाठशाला दिखाई दे रही है लेकिन वह इसकी पाठशाला है, ना ही इन दोनों की, सिर्फ ये एक लड़के की यहाँ पाठशाला है और वो बोल रहा है कि यह पाठशाला है और वह इसकी पाठशाला है। ओके, यहाँ एक फूल है दिखाई दे रहा है, ये गुलाब का फूल है और इसका रंग भी यहाँ दिया गया है। तो हम इसका वाक्य का प्रयोग कब करते हैं, यह गुलाब का फूल है, तो दिखाई दे रहा है यह गुलाब का फूल है लेकिन इसका रंग लाल है, इसका, तो हम इस फूल के बारे में ये इसका जो विशेष रंग है इसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो हम इस शब्द में इसका इसकी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो यह पाठशाला है, वह इसकी पाठशाला है, तो इसकी इस शब्द का प्रयोग हमने किया है, यह गुलाब है, इसका रंग लाल है। इस तरह हमने इसका और इसकी इस शब्द प्रयोग का उपयोग किया गया है। तो उसका और उसकी ये शब्द प्रयोग हम कब करते हैं कि देखिए बच्चों, दरअसल हम जब वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका आपकी, तेरा मेरा, तुम्हारा तुम्हारी, इसका इसकी, उसका उसकी। तो ये शब्द प्रयोग हम कब और कहाँ कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर देख रहे हैं, यह साइकिल है, ये तो साइकिल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दो लड़के यहाँ पर है, यह साइकिल है, यह उसकी साइकिल है। तो ये लड़का कह रहा है कि यह उसकी साइकिल है, उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नाम कोई भी हो, राजू, श्यामू, गोपाल, कोई भी हो, तो यह उसकी, इसका संज्ञा का उपयोग न करते हुए हमने यह उसकी साइकिल है, यहाँ उसकी शब्द का प्रयोग किया है। वैसे ही उसकी शब्द का प्रयोग हमें उसकी उसका शब्द का प्रयोग कैसे करना है, यह घर है, यहाँ दिखाई दे रहा है यह घर है लेकिन यह घर किसका है, देखो यहाँ वाक्य में यह घर है, यह उसका घर है, यानी इस यहाँ देख रहे हैं एक लड़का है, ये लड़की कह रही है यह उसका घर है, उसका, ठीक है, समझ, ऐसे वाक्य में हमारे यह शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसी के ऊपर यहाँ कुछ शब्द, यहाँ प्रश्न दिए हैं, जैसे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे कि यहाँ कोष्टक में मेरी, उनकी, उसका, हमारा, मेरा यहाँ शब्द दिए हैं, तो हमें इसका प्रयोग इस रिक्त स्थान में करना है। जैसे कि यहाँ कुछ पांच शब्द दिए हैं, पांच वाक्य है और इन पांच वाक्यों में यहाँ ये शब्द भरने हैं, जैसे कि पेड़ों में हमारी तरह जीवन होता है, उनकी देखभाल अच्छी तरह करनी
चाहिए। तो हमने यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भर दिया, उनकी यानी किसकी, पेड़ों की देखभाल अच्छी तरह करनी चाहिए। तो हमने पेड़ों के बजाय उनकी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा, यह मेरी पाठशाला है, यह मेरी पाठशाला है, तो ये यहाँ शब्द का प्रयोग हमने किया है। तीन नंबर, मेरा मन पेड़ की छाया में आराम पाता है, तो यहाँ देखो मेरा, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ शब्दों का उपयोग किया है और यहाँ पर कौन सा शब्द आता है, मेरा, मेरा मन पेड़ की छाया में आराम पाता है। चौथा, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जो भी हो तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, तो यहाँ रिक्त स्थान में यहाँ उसका शब्द आता है और इसी तरह ये वाक्य बना है। पाँच नंबर, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो ये यहाँ पर हमने ये शब्द प्रयोग, यहाँ रिक्त स्थान में हमारा ये शब्द लिखा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम रुकते हैं, अगला पाठ हम आपको कल सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।